दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम डेट आप लोगों को पता है जो टेंटेटिव डेट है 4 दिसंबर 2022। और बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करते हैं कि क्या सर हम एग्जाम में जाएंगे तो दोबारा हमारा थंब लिया जाएगा, दोबारा हमारा बायोमेट्रिक होगा, क्या हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होगा एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्टों की एक बड़ी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले जाया जाएगा और क्या क्या आप लोगों के साथ घड़ी कैलकुलेटर अलाउ है, तो ये आज हम आप लोगों को सारी चीजें बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्टों में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो दोस्तों हम आप लोगों को रियल जानकारी देते हैं 100% प्रूफ के साथ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बता दें कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल हुआ था 2788 पोस्टों का, तो उसमें हमने सभी स्टूडेंटों को, हमारे पास लगभग 2000 बच्चों का एक ग्रुप है और अलग अलग ग्रुप है बीएसएफ का, समझ गए बीएसएफ ट्रेड्समैन का, हम सभी ग्रुप में बच्चों से मैसेज करके पूछे कि क्या आप लोगों को एग्जाम के समय थंब लिया गया था, तो बच्चों ने बताया कि हाँ सर हमारा जब एंट्री हुआ था तो गेट पे हमारा बायोमेट्री करवाया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दे, और बहुत सारे बच्चे हमें कॉल करके बोले कि क्या सर हमारा दोबारा बायोमेट्रिक होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको एग्जाम में लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों का थंब हो गया था तो आप लोगों को इस एग्जाम में भी, मतलब फर्स्ट फेज में थंब लिया था तो आपका सेकेंड फेज में भी आपका थंब लेगा, आपका एडमिट कार्ड पे बायोमेट्रिक करेगा और मिलाएगा कि हाँ क्या यही वो स्टूडेंट है जो फिजिकल देकर आया था, क्योंकि धोखाधड़ी इसमें बहुत होता है, दलालों की बड़ी हेराफेरी होती है, तो इसीलिए वहां पर आप लोग जाइएगा तो आपका अंगूठा का निशान लेगा और यदि आपका एक्सेप्ट कर लेगा तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा, समझ गए, आपका वहां पर भी बायोमेट्री होगा एग्जामिनेशन सेंटर पर। जिसमें अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से लेकर जाने होंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम डेट आप लोगों को पता ही है कि एक नोटिस वायरल हो रहा है जो 4 दिसंबर 2022 को बताया जा रहा है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वह आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, और यदि आप लोगों को थंब में, यदि किसी किसी का थंब में प्रॉब्लम होते रहता है तो आपने जो फिजिकल का जो आपके पास सेकेंड कॉपी होगा, आपका जो फिजिकल एडमिट कार्ड था तो आपके पास सेकेंड कॉपी होगा ना, यदि आप फोटो स्टेट करवाए होंगे वह लेकर जाना है, क्योंकि किसी को कोई प्रूफ दिया नहीं गया था फिजिकल पास करने वाले बच्चे को, जो रिजेक्ट किए थे उसी को प्रूफ मिले था। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्टों का अब कम ही दिन बच गया है, तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए रोज दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे लाइव क्लास इसी चैनल पर कराते हैं। तो आप लोग सभी आ जाइए रात के 8 बजे और दोपहर के 3 बजे। दोस्तों बीएसएफ का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग समझ गए, तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को कोई नहीं लेकर जाना है, केवल आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पैन कार्ड लेके जाना है, पहचान पत्र लेकर जाना है और 10वीं का मार्कशीट हो तो लेकर जाना है, नहीं तो वहां पर आप लोगों को मेन है थंब। जैसे ही आपका थंब लेगा तो पता चल जाएगा कि आप फिजिकल पास हो, क्योंकि वहां पर जितने भी बच्चे फिजिकल में गए थे उनका थंब ले लिया गया है, इम्प्रेशन ले लिया गया है। तो समझ गए दोस्तों, यही जानकारी थी। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और आप लोगों को डेट पता है, और जैसे एडमिट कार्ड आएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन का तो हम आप लोगों को फटाफट नोटिफाई करके बता देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए। जय हिंद वंदे मातरम।